प्रिंसिपल ऑफ द प्रोक्सीमेट कॉज, निकटतम कारण। इंश्योरेंस कंपनी जब भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर कर देती है कि हमको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने की वजह से, उस रीजन की वजह से अगर हमको कुछ लॉस होता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगी। मान लो मैंने इंश्योरेंस करवाया था बिल्डिंग का, फायर इंश्योरेंस। अब बिल्डिंग पानी की वजह से डूब गई, किसकी वजह से, पानी की वजह से डूब गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक रुपए का भी क्लेम नहीं देने वाली, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस किसके करवाया था, फायर इंश्योरेंस, पर बिल्डिंग कैसे डूबी, पानी की वजह से। तो डेफिनेटली हमारा कोई निकटतम कारण भी नहीं है आग लगने का, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे लॉस नहीं देने वाली। आग किसी भी कारण से लग जाती, तारे भिड़ गई, आग लग गई, तो मेन कारण तो क्या है ना, आग लगना है ना, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम पास कर देगी। पर कोई कारण आसपास भटकने वाला भी कारण नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक रुपए भी पे नहीं करने वाली। मान लो मैं समुद्री जहाज से माल लेके जा रहा हूं और जो समुद्री जहाज कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ की, मैं जिस जहाज से माल लेके जा रहा हूं उस कंपनी के कर्मचारियों की गड़बड़ की वजह से माल को नुकसान होता है, तो डेफिनेटली कंपनी हमें क्लेम पास नहीं करने वाली है। हमने इंश्योरेंस करवाया था मान लो समुद्री जहाज का, पानी में डूब ना जाए, नुकसान होता तो कंपनी पे कर देती पानी में डूबने की वजह से, पर जहाज के अंदर माल को नुकसान किसकी वजह से हुआ, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुआ, तो डेफिनेटली इस केस के अंदर कंपनी हमें पैसा एक रुपए भी पे नहीं करने वाली। मतलब कंपनी हमेशा ये देखती है कि जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का सबसे पास वाला कारण कौन सा है, सबसे निकट वाला कारण कौन सा है। निकट वाला कारण भी अगर मिल जाए ना तो कंपनी पे कर देती है, अगर उसको खुद का कोई कारण नहीं मिलता, खुद का बताया हुआ रीजन नहीं मिलता, तो डेफिनेटली कंपनी कोई क्लेम पास नहीं करती। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस के। अगर आपके पास कोई भी बुक है, अगर उस बुक के अंदर से आप इन प्रिंसिपल्स को एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके प्रिंसिपल्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मन में दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।